हाँ मजबूती मिली है और लगातार एनडीए मजबूत हो रहा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग लामबंद हो रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम सभी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। गरीब कल्याण योजनाएँ जन जन तक पहुँची हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, लोगों ने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर से बेहतर शासन दे सकती है, पारदर्शिता के साथ दे सकती है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन 6.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है, आज अपराधी पस्त हैं और पुलिस का इस्तकबाल दिख रहा है। हमें अच्छी तरह याद है यही वाराणसी है और यही प्रदेश है जहाँ अपराधी तांडव करते घूमते थे, आज अपराधियों में भय का माहौल है। हम कानून के माध्यम से अदालत में पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है लगातार जो पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे हैं वो अखिलेश यादव जी को छोड़ के जा रहे हैं? अभी देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी अपने गठन काल से ही अपने अतीत से उभर नहीं पा रही है। गुंडे माफिया बदमाशों को पुष्पित पल्लवित करना उनका पुराना सगल रहा है। जिस ढंग से अपराध उनके राज में बढ़े थे, दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और खास बात यह है कि नौजवानों के साथ भी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान ठगी की थी। आपको पता है कि प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है उसका नाम बदल करके एक जाति विशेष के नाम पर रखा गया था। जब प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते थे तो केवल एक जाति विशेष के लोग होता थे और सबसे बड़ी बात थी वो भी उनके जिले के होते थे। आज हम कह सकते हैं कि पारदर्शिता के साथ लगातार हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन रोजगार के तहत लाखों लोगों को रोजगार सरकारी सेवा में दे चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार के लिए हमने तैयार किया है। आज हम 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दे चुके हैं और निष्पक्ष पारदर्शिता के आधार उनकी मेघा के बदौलत नौकरी मिली है, कोई सिफारिश नहीं लगी है, कोई कह नहीं सकता है और जिसने कोशिश की है उसके खिलाफ हमारी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। जी, एक सवाल और भी उठ रहा है, कुछ विपक्ष के लोग अब ये चुटकी लेते हुए पूछ रहे हैं कि अगर ओपी राजभर आ गए हैं तो ओपी राजभर के पार्टी के विधायक भी क्या अब जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से ही मुख्तार अंसारी के बेटे भी विधायक हैं। देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार की बातों को कोई स्थान नहीं है। भारत माता के झंडे को आसमान की बुलंदियों की ओर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और राजग का कुनबा बढ़ रहा है। विरोधी दलों के जो नेता हैं जिनका जमीनी आधार समाप्त हो चुका है उनके पेट में क्यों दिक्कत है? आज गरीब कल्याण योजनाएं जो जन जन तक पहुंची हैं, लोगों को पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, गैस कनेक्शन मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, किसान सम्मान निधि उनके खाते में जा रही है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। पीएम स्वनिधि ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम, पटरी दुकानदारों को कौन पूछता था जो लोग ठेला खोमचा लगाते थे, आज माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में पूरे देश के पैमाने पर लोगों के घरों के लिए एक अभिभावक के रूप में पहुंच गए हैं। घर घर माननीय मोदी जी को लोग चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे अखिलेश यादव का जो फार्मूला था? देखिए वो कुछ नहीं, वो फार्मूला कंप्यूटर जनित था, वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके तैयार किया गया था और वो जानते थे कि इस फार्मूले से कोई दम नहीं है। वो केवल अपने कमरे में वातानुकूलित बैठ करके केवल ट्वीट करना जानते हैं। समाज में आप देखेंगे जब 44-45 डिग्री टेम्परेचर था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जा रहा था। कोरोना महामारी से लेकर आज तक पूछिए इन विरोधी दलों से, कोरोना महामारी में कहाँ थे? जब लोग तड़प रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे।